हेलो एवरीवन, और आज की नई रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं वेनिला कपकेक्स। इसमें मैंने अंडा और कर्ड का इस्तेमाल किया है। जब हम कपकेक बनाते हैं तो हम अंडे से भी बना सकते हैं और कर्ड से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने इन दोनों को मिक्स करके कपकेक बनाए हैं जो कि बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं और टेस्ट भी बिल्कुल नया आया है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं दो अंडे जिसे मैंने तोड़ दिया है और एक बड़े से बॉल में डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल, 1/2 कप कर्ड, 1/2 कप से थोड़ा सा कम कर्ड है, और कर्ड हमेशा ताज़ा लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा कर्ड मैंने नहीं लिया है। ये है 1/2 कप पाउडर शुगर और 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर मैंने और डाल दिए। आज मैं थोड़ा सा मीठा केक बनाने वाली हूँ। उसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स। उसके बाद इसे जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो दही हमने डाला है उसमें दही के पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए। एक स्मूथ बैटर हमें रेडी करना है। आप देख सकते हो मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए एक स्मूथ पतला बैटर रेडी कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा छान के लेने चाहिए, हम जल्दी जल्दी में छान के नहीं लेते हैं तो केक स्पॉन्ज नहीं बनता है, उतना स्पॉन्जी नहीं आता है केक को। तो ये मैंने 120 ग्राम मैदा लिया है। मैंने यहाँ पे किचन स्केल पे इसे मेजर कर लिया था। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो आप 1 कप मैदा लीजिए और 2 टेबलस्पून और मैदा उसमें डाल सकते हो, तो बराबर 120 ग्राम मैदा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था। यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और अभी प्रेशर ना लगाते हुए हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 से 3 ड्रॉप येलो कलर के, जिससे थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा मफिन्स में। तो ये भी डाल के अभी इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा हमें नहीं डालना है, जो मैंने डाला था पहले वही इंग्रेडिएंट्स में इसे मैं अभी स्मूथ बैटर रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कंटिन्यूस हिलाते हुए मैंने एक स्मूथ बैटर रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। और अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बनता है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध के डाल सकते हो। और आज मैं मफिन्स बनाने वाली हूँ, तो मैंने लिया है यहाँ पे मफिन वाला ट्रे। उस पर मैं ये पेपर वाले लाइनर डाल रही हूँ और उसमें डाल दूँगी ये बैटर। तो बैटर को मैंने 1/2 ही भरना है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है क्योंकि कपकेक्स ऊपर चले आएंगे, यानी कि बाहर निकल आएंगे पेपर लाइनर से। तो इसे डालने के बाद थोड़ा सा टैप कर देंगे, और एक साइड डाल दूंगी मैं चेरी और दूसरे इसमें मैं डालूंगी चोको चिप्स। तो आपके पसंद के अनुसार यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स या जो आपको चीज़ पसंद होती है वो इसमें डाल सकते हो। तो मैंने चोको चिप्स और टूटी फ्रूटी डाल दी है। अभी मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रखा था, पहले ही ओवन प्रीहीट हो चुका है और इसमें से बैटर बच चुका है जिसे मैंने केक टिन में निकालना है। तो केक टिन को मैंने पहले से ही थोड़ा सा ऑयल और मैदे की डस्टिंग कर ली थी, तो ये बैटर मैं डाल दूंगी इस वाले केक टिन में, और बचे हुए बैटर को भी मैं प्लेन नहीं रखूंगी, उसमें डाल दूंगी टूटी फ्रूटी। आप फिर से यहाँ पे आपके पसंद के अनुसार इसे प्लेन भी रख सकते हो या इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो इसे डाल दूंगी केक टिन में, और अभी इसे मैं बेक करूंगी 150 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। आपका ओवन जितना बड़ा हो, यानी कि जितने लीटर का हो, उसके हिसाब से आपको उसे सेट करना है। तो मेरा 28 लीटर का है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 150 या 160 पे रखूँगी 30 मिनट्स के लिए। तो चलिए फिर इसे मैं रख देती हूँ। ये डालने के बाद थोड़ा सा टैप कर लेंगे। मैंने ऊपर से चोको चिप्स और टूटी फ्रूटी की गार्निशिंग कर दी है, और इसे मैं रख देती हूँ अभी ओवन में। और 30 मिनट्स बाद हमारे मफिन्स और केक बनके रेडी हो चुके हैं। केक थोड़ा सा गर्म है तो इसे मैं बाद में निकालूंगी, मफिन्स जल्दी ठंडे हो गए हैं तो मैं आपको उसे निकाल के दिखाती हूँ। चोको चिप्स वाला मफिन निकाल के देखते हैं, बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज आया है और जल्दी बन गए हैं, और कलर भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आया है। स्पॉन्ज देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, कर्ड और दही का कॉम्बिनेशन बेस्ट हुआ है, और टेस्ट में भी ये बहुत ही बढ़िया बना है। तो इस तरीके से आप अलग कॉम्बिनेशन करके कपकेक्स या केक बना सकते हो आपके चॉइस के अनुसार।
तो इस तरीके की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।